वेलकम बच्चों, आप कैसे हैं? आज मैं आप सबों को मेरा विद्यालय, मेरी शिक्षा में हार्दिक स्वागत करते हैं। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष विज्ञान विषय में रसायन शास्त्र के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो रसायन शास्त्र का एक रीढ़ माना जाता है, उसको बैकबोन मानते हैं। इस बात का नाम है रसायनिक बंधन। यह बरसात से लेकर इंटर तक, 11 तक के कोर्सों में इसको पढ़ते हैं। तो आइए हम इसके बारे में आज डिटेल्स पर ध्यान करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात की जानकारी लेंगे कि कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से संयोग क्यों करता है? मतलब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से आपस में संयोग क्यों करता है? तो संयोग करने के दो रीजंस होते हैं, पैरा रीजंस, या तो उस परमाणु के पास उसके कक्षा में, उसके ऑर्बिट्स में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, या तो औसत पूरा करने में कम होती है। तो दो रीजंस में वो कॉम्बिनेशन करता है, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है या इलेक्ट्रॉन उसके पास कम होता है। इन दोनों परिस्थिति में वो आपस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको रिपीट करता हूं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का होता है किसी परमाणु के उभयतम, मतलब बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। जैसे सोडियम, जिसका संकेत Na होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, मतलब सोडियम में कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको जब हम इसको सेल के रूप में बांटते हैं तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड सेल में 8 होते हैं, थर्ड सेल में 1 होता है। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। किसी इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, अर्थात किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बात करते हैं क्लोरीन का, सीएल का, जिसमें कुल परमाणु की संख्या 17 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होते हैं। जब इसको हम बांटते हैं इसके सेल में, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि सोडियम के पास फर्स्ट पूरा करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, मतलब एक्स्ट्रा है, और क्लोरीन में अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसी परिस्थिति में ये दोनों सोडियम और क्लोरीन आपस में संयोग करते हैं, यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेता है। इस प्रकार दोनों क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल बॉन्डिंग होता है। अब आते हैं आगे तो जानेंगे कि रासायनिक बंधन की क्रिया में कौन भाग लेता है, और रासायनिक बंधन की क्रिया में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही संयोजकता का निर्माण होता है।
संयोजकता मीन्स बैलेंसिंग, अर्थात किसी परमाणु का किसी अन्य परमाणु के साथ संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। जैसे क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, इसका एटॉमिक विन्यास 2 और 7 है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 बन जाएगी, क्योंकि इसको अष्टक पूरा करने में 8 अष्टक 7 पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 बन जाएगी। सोडियम इसका 11 है, 2 8 1 परमाणु संख्या बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगा। अर्थात जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, और 4 से 7 वाला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। इस प्रकार हम कहते हैं, इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं वायतम चाहे संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यहां हो जाएगा संयोजकता, और यहां हो जाएगा धनात्मक ऋणात्मक। तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन समान जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, और उसकी संयोजकता नेचर का स्वभाव होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका 2 होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है, इसके प्लस होता है नेचर, 3 वाले का वैलेंसी 3 होगा नेचर प्लस होगा, 4 वाले का यानी 4 वाला जो होता है जिस परमाणु की बारी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते भी है इलेक्ट्रॉन देते भी है, तो ऐसी स्थिति में इनकी वैलेंसी 4 मानी जाएगी, और यहाँ पर नेचर प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, अर्थात वो देता भी और लेता भी, तो इसका नेचर धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। और 5 वाले के लिए अष्टक पूरा करने में 3 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 मानी जाती है, और इसका नेचर माइनस हो जाएगा क्योंकि वो लेता है। 6 वाले का अष्टक पूरा करने में 2 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 मानी जाएगी, इसका नेचर माइनस हो जाएगा। 7 वाले का वह इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए 1 चाहिए उसको, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगा और नेचर माइनस हो जाएगा। और जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह किसी से संयोग नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी अष्टक कंप्लीट होती है, अर्थात वह कंप्लीट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन का रहता है, एटम्स का रहता है, इसलिए वो कंबिनेशन में भाग नहीं लेता है। जैसे सभी निष्क्रिय गैस, जितने निष्क्रिय गैस हैं वो किसी से संयोग नहीं करते। अब आते हैं लोग अपने मेन टॉपिक पे, रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? रासायनिक बंधन अर्थात केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। तो जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनाते हैं उसे हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। वेन वन एटम कंबाइंस टू अदर एटम्स बाय शेयरिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, मींस वेन वन एटम कंबाइंस टू अदर एटम बाय शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। जब ये परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनाते हैं उसे हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। आते हैं रासायनिक बंधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन के प्रकार, तो हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन के
रासायनिक बंधन तीन प्रकार का होता है। पहला आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड। दूसरा सह संयोजक बंधन, बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा उप सहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब रासायनिक बंधन को तीन भागों में बांटा गया है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। नंबर वन आयनिक बॉन्ड मींस आयनिक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा उप सहसंयोजक बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम जो है रासायनिक बंधन के जो तीन प्रकार है, आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन, इसके इस पर हम एक ही अध्ययन करेंगे, मैंने एक बात वन बाई वन इस पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो आयन केमिकल बॉन्डिंग का प्रकार है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन, मैंने आयनिक बॉन्ड, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आयनिक बंधन जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, मतलब ट्रांसफरिंग के फलस्वरूप जो बंध का निर्माण होता है उसे हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। इसमें जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके ऊपर धन आवेश, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना धन आवेश, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है वह उस पर उतना ऋण आवेश होता है। मतलब आयनिक बंधन में दो परमाणु भाग लेते हैं, पहला परमाणु इलेक्ट्रॉन देने वाला और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो जितना जो परमाणु देता है उतना उस पर धन आवेश, और जो परमाणु जितना लेता है उस पर उतना ऋण आवेश होता है। मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में भी डिफिनेशन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड व्हेन वन एटम व्हेन टू और मोर एटम्स फॉर्म ए बॉन्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। द एटम व्हिच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड द एटम व्हिच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। मतलब जो परमाणु का त्याग करता है उस पर धन आवेश और जो ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश होता है। जैसे सोडियम परमाणु संख्या 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8, क्लोरीन परमाणु संख्या 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-7। अब हम जब दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो यहाँ सोडियम जो है इसके बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो इसका यही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है दोनों के कॉम्बिनेशन में। तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ दिखा देंगे, क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देंगे। अब सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, किसको देता है, क्लोरीन को। इस प्रकार चूंकि सोडियम में इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ सोडियम के पास 2-8-1 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ क्लोरीन के पास 2-8-7 इलेक्ट्रॉन थे। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा तब सोडियम हो जाएगा सोडियम आयन के रूप में, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, बचेगा 2 और 8। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन से लिया तो 7 से बढ़कर 8 हो जाएगा, यानी Cl- माइनस में हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2-8-8। इस प्रकार जो है
सोडियम और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड होता है वह आयनिक बॉन्ड होता है। उसी प्रकार दूसरे एग्जांपल में ले सकते हैं CaCl2 के निर्माण में, CaCl2 में कैल्शियम। एक एग्जांपल नंबर 2 में आते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के निर्माण फॉर्मेशन ऑफ CaCl2। इसमें कैल्शियम के पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम लोग दिखाएंगे 2, 8, 8, 2 अर्थात इसके बारे में अच्छा में कोई फॉर्म होते हैं जो रसायनिक बंधन भाग लेते हैं। और क्लोरीन फॉर्म पहले दिखा चुके हैं कि 17 होता है, 2, 8, 7 होता है। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन है जिसको ऐसे दिखाएंगे CaCl CaCl। अब इसके पास बारे में अच्छा में कोई लिखा है ध्यान देंगे 2, 8, 8, 2 और क्लोरीन का हम जानते हैं 17 होता है, 2, 8, 7 इसके भी प्लस 7 हो जाएगा और इसके पास भी 7 हो जाएगा। और इस क्लोरीन कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो बारीक कक्षा में यही भाग लेंगे, एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। इस प्रकार कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस हो जाएगा। और क्लोरीन चूंकि 2 क्लोरीन की संख्या 2 है, यहाँ 2 कर देंगे Cl यहाँ माइनस, क्योंकि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 Cl ऊपर माइनस कर देंगे। इस प्रकार कैल्शियम के पास 2, 8, 8 बचते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। इस प्रकार कैल्शियम क्लोराइड के बीच में आयनिक बंधन का निर्माण होता है। अब हम जानेंगे कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। आयनिक यौगिक इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को बोलते हैं कि आयनिक बंधन से बने हुए यौगिक को आयनिक बॉन्ड, आयनिक यौगिक कहते हैं। अर्थात जिस यौगिक का निर्माण आयनिक बंधन से होता है, आयनिक बॉन्ड से होता है, उसे हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक में खास गुण होता है, पहला गुण होता है कि ये यौगिक मजबूत बंधन से बने होते हैं, अर्थात इनके बीच जो बॉन्डिंग होता है स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 2, ये अधिकांश सॉलिड कंडीशन में होते हैं और ये सॉलिड अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कम चालक होते हैं, लेकिन लिक्विड अवस्था में विद्युत के अच्छे चालक माने जाते हैं। जैसे नमक सॉलिड अवस्था में वह विद्युत का कम चालक होता है, अर्थात नहीं के बराबर होता है, लेकिन जब उसको पानी में घोल देते हैं तो वह विद्युत का सुचालक हो जाता है। तीसरा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उच्च होता है। तो इस प्रकार हम लोग आयनिक बंधन के बारे में जानकारी हासिल की। अब केमिकल बॉन्डिंग की दूसरा प्रकार जिसको हम बोलते हैं सहसंयोग बंधन, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दूसरा प्रकार है सहसंयोजक बंधन, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। जब 2 परमाणुओं के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। When 2 or more atoms shared of their electrons is known as covalent bond। मतलब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे आप कह सकते हैं Cl2 के निर्माण। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन के बीच अगर देखते हैं हम लोग हैं, 20 क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 7 इसके पास भी 17 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 7 मतलब 2, 2, 4, 2, 6 और 7 2, 2, 4, 2, 6, 7 फिर दोनों के अस्तर पूरा नहीं है, नहीं इसके हैं नहीं इसके हैं, तो ये क्या करता है दोनों आपस में साझेदारी करता है एक एक इलेक्ट्रॉन का, मैंने
एक ये इससे लिखा है, तो इसका दो दूचा छे दो आठ में लिखा हुआ है, और फिर दो दूचा एक इससे मिलेगा तो इसके भी पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार दोनों के बीच में एक एक से चार की साझेदारी हुई, तो ये सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है यहाँ पर, इसको बोलेंगे CA2 का निर्माण है। दोनों रोल के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से यहाँ जो बंधन बना वह कहलाएगा सहसंयोजी बंधन। अब हम लोग जानेंगे कि बॉन्ड के आधार पर अर्थात साझेदारी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी संख्या के आधार पर सहसंयोजी बंधन तीन प्रकार का होता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर सहसंयोजी को तीन भागों में बांटते हैं। पहला मोनोकोवलेंट बॉन्ड, मतलब एकल सहसंयोजी बंध। दूसरा डाई कोवलेंट बॉन्ड, द्वि सहसंयोजी बंध। तीसरा ट्राई कोवलेंट बॉन्ड, त्रि सहसंयोजी बंध। अर्थात जब दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं, मोनोकोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसे हम डाई कोवलेंट बॉन्ड, द्वि सहसंयोजी बंध कहते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे हम त्रि सहसंयोजी बंध में ट्राई कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे ये हमारा क्लोरीन जो हो गया, इसके भी इस दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, इसलिए ये कहलाएंगे मोनोकोवलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजी बंधन। अब बात करते हैं O2 के बीच ऑक्सीजन के बीच, दो ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, माने दो छह, क्योंकि इसके पास टोटल आठ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर छह हो गया और यही छह इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे रासायनिक बॉन्ड में, तो दो चार दो छह। उसी तरह इधर भी लेते हैं दो चार दो छह, और इन दोनों का दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है तो तब इसका आठ पूरा होता है, दो चार छह दो आठ, इसको ऐसे घेर देंगे ये आठ टोटल आठ हो जाएंगे। उसी तरह दो चार दो छह दो आठ, इसका भी पूरा हो जाएगा, अर्थात दोनों की साझेदारी से दोनों का अक्षर पूरा हो गया। तो यहाँ पर दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, कितना किया दो दो का, इसीलिए क्या कहलाएंगे डाई कोवलेंट बॉन्ड, द्वि सहसंयोजक बंधन। यानी कि ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, इसीलिए कहलाएगा डाई कोवलेंट बॉन्ड। अब आते हैं तीसरा ट्राई कोवलेंट बॉन्ड, जैसे आपको एग्जांपल हम ले सकते हैं नाइट्रोजन N2, एक नाइट्रोजन और दूसरा इसको दिखा देंगे आपको, नाइट्रोजन में टोटल सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो पांच, इसका भी दो पांच, अष्टक पूरा करने में इसमें भी तीन कम है, इसमें भी तीन कम है, तो यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर गए। जितना कम होता है उतना का साझेदारी करता है, ध्यान रखेंगे जितना कम होगा अष्टक में उतना का साझेदारी होगा, तो यहाँ पांच है तो तीन कम है, तीन की साझेदारी होगी, तीन यहाँ हो गया दो यहाँ हो गया तो पांच हो गया, इसका तीन यहाँ दो यहाँ हो गया पांच हो गया, तो तीन तीन छह दो आठ, इसका पूरा हो जाएगा, तीन तीन छह दो आठ, इसका भी पूरा हो जाएगा। इस प्रकार दोनों में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कितनी है तो तीन तीन की है, तीन इधर, तो नाइट्रोजन के बीच तीन तीन की साझेदारी हो गई, तो यह कौन सा बॉन्ड कहलाएगा तो ट्राई कोवलेंट बॉन्ड, त्रि सहसंयोजक बंध। अब आते हैं लोग
सौ संयोजक यौगिक, सौ संयोजक यौगिक वह यौगिक जिसका निर्माण सौ संयोजक बंधन से होता है उसे हम सौ संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आपको और ये सभी जितने H2O हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सभी सौ संयोजक यौगिक होते हैं। तो इन यौगिकों का क्या गुण है? ये यौगिक जो होते हैं आयनिक बॉन्ड आयनिक यौगिक की तुलना में कमजोर बॉन्ड से बने होते हैं। दूसरा, ये विद्युत और विद्युत के कुचालक होते हैं। नंबर तीन, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको आयनिक यौगिक की तुलना में कम होता है। तो इस प्रकार बच्चों, आज आप लोग इस चैप्टर रासायनिक बंधन में दो का अध्ययन किया, आयनिक बंधन और कोवलेंट बॉन्ड। अब अगले क्लास में सेकेंड जो मेरा आएगा, सेकेंड वीडियो में यानी पार्ट टू के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि स्वसंयोजक बंधन जो होते हैं, स्वसंयोजक बंधन ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, मतलब ध्रुवीय और अध्रुवीय। और तीसरा जो ट्रिपल बॉन्ड का प्रकार है उसको उप स्वसंयोजक बंधन कहते हैं। इन दोनों का अध्ययन हम सेकेंड पार्ट में करेंगे और इनकी एक्सरसाइज करेंगे। तो धन्यवाद, आप अच्छे ढंग से इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अभी आपको जो करेगा तो मैं इसका नोट्स भी सेंड कर दूंगा। थैंक यू।